बाबा विश्वा कभी कभी तो लगता है आपको निज भगवान है मिनी मिलिशिया का। चल बोल। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा खेलता है और ये कंफ्यूज बहुत तगड़ा करता है। अभी देखते रहना गाइस, यार क्या ही ये कंफ्यूज किया, ये ओपी वाला नेट पिक करके मेरे को नीचे बुला करके क्या ही प्यारा सा शॉट लिया। तेरा तो गेम बचाना पड़े। मैच बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, अभी लास्ट में भाई कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, और बैटल भाई पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा है। भाई ये कैसे, भाई कैसे मारा ये? मार ले भाई, मार ले, ले ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूँ, मार ले मेरी। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे गाइस, और बहुत बढ़िया रहना भी है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और नया वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं 1v1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जो भाई कतई जहर खेलता है, मतलब मेरी नजर में तो लेजेंडरी बंदा है, और सबसे बड़ी बात की वो एक यूट्यूबर भी है, और मैं उसकी वीडियो सारी देखता हूँ, और लगभग मैंने उसकी वीडियोस में देखा है कि वो अपने से हाई लेवल के साथ 1v1 खेलता है। अपने से हाई लेवल के बंदों के साथ 1v1 खेलना और जीतना भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड काम होता है। तो गाइस यार आज मैं खेलने वाला हूँ बैटल मास्टर के साथ, और इसके यूट्यूब का चैनल का नाम है बैटल किंग DA2, और ये रियल बंदा है, ऐसा नहीं कोई फेक बंदा है। तो गाइस यार क्या लगता है, बैटल मास्टर जीतेगा या फिर मैं? तो गाइस यार कमेंट अभी करके बताओ, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी पता चलेगा भाई कौन विनर होगा, और फुल्ली करना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं वेट कर रहा हूँ स्नाइपर का, और मेरे पास स्नाइपर आ चुकी है, लेकिन मैं रश नहीं करूंगा, मैं जब भी रश करता हूँ भाई मैं फुट जाता हूँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अरे भाई ये भी देखो, शायद थोड़ा सा तो भाई दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए, और मैं भाई कहाँ मार रहा हूँ पत्थरों में, और थोड़ा थोड़ा लैग भी देखने को मिल रहा है, मेरी नेट भी भाई इतनी कच्ची है कि पूछो मत, और ये बंदा भाई क्या ही परफेक्ट नेट फेंकता है। अभी तुम लोग देखते रहो, अभी आप सब लोग को पता चल जाएगा इसका गेम प्ले, और मैं यहाँ पे इजिली एक किल निकाल लिया, बैटल ने भी मेरे को मारा लेकिन यहाँ पे किल नहीं हो पाया मैं, क्योंकि क्राउच हो गया था और हीलिंग मिल गई, मेरी इतनी अच्छी किस्मत, वाह वाह भाई, अगर ये मैच जीत गया तो समझ लूंगा कि मेरी बहुत ही अच्छी किस्मत थी, मेरा लक काम किया। वैसे मेरे को उम्मीद तो नहीं है कि मैं इसे जीत पाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा खेलता है और ये कंफ्यूज बहुत तगड़ा करता है। अभी देखते रहना गाइस, यार क्या ही ये कंफ्यूज किया, ये ओपी वाला नेट पिक करके मेरे को नीचे बुला करके क्या ही प्यारा सा शॉट लिया। तेरा तो गेम बचाना पड़े, और थोड़ा सा लैग की वजह से डिले दिखा रहा है भाई, इसने पहले ही शॉट ले लिया था, मतलब मैं पहले किल हुआ और शॉट बाद में दिखा, लेकिन मैं किल हो चुका हूँ, इसका परफेक्ट शॉट है, इसकी वीडियोस मैंने देखी, मेरे से पहले ये वीडियो अपलोड कर चुका है। तो गाइस यार यहाँ पे मैंने एक और स्नाइपर ले लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ रश करने, और यहाँ पे भाई फिर से नेट, भाई मुझे बचा लो, नेट से बड़ा डर लगता है, नेट वेट के चक्कर मेरे को नहीं पड़ना, और ये रहा मेरा वाला खतरनाक प्यारा सा शॉट। भाई साहब इसको मैंने ऊपर की तरफ बुलाया, लेकिन ये ऊपर की तरफ जैसे ही आ रहा था मैं नीचे जाके मार दिया, इसको पता भी नहीं चला होगा कैसे मार दिया मैं। और मेरे को यहाँ पे पॉइजन भी मिल चुका है, अभी इंतजार करते हैं, कहाँ हो भाई, ए चचा फूफा नीचे आ जाओ, और चलो टाइम बम चिपका दिया, अगर ये नीचे आएगा तो भाई फूट जाएगा। ओपी बॉयज, अब तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो क्या ही नेड मारा बंदे ने, भाई इतनी परफेक्ट टाइमिंग, कैसे भाई इतना परफेक्ट, भाई जहाँ मैं बैठा वहीं पे आके नेट फूटा, मेरी नेट रहती तो पता नहीं कहाँ चली जाती। खैर छोड़ो, अभी तो गाइस यार देखते रहो, अभी तो 3 मिनट बचा हुए हैं, और यहाँ पे पॉइजन बन फेंक करके मेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश, लेकिन यार मैं भी साड़ा निकला, क्यों हिला डाला ना, बैठा रहा और ये रश करने की कोशिश किया, इजली किल मैंने निकाल लिया है। अभी मैं यहाँ पे बैठ करके इंतजार करता हूँ, शायद आ जाए, लेकिन भाई इसके नेट से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, एक जगह बैठना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि कहीं बैठूं और इसका नेट आ जाए तो मेरे को हटना पड़ जा रहा है, और जैसे ही मैं हट रहा हूं, तो जान ही रहे हो भाई धीम धड़ाम धूम हो जा रहा है मेरे साथ। तो अभी यहां पे बंदा नेट पे को देखो, अभी कैसे ये नेट फेंकता है, फिर से एकदम परफेक्ट सा नेट, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्या ही परफेक्ट नेट फेंका इस बंदे ने। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ओ भाई साहब अभी तो भाई मैच एकदम फंसने वाला है, हो गया है यहाँ पे मैच लेवल का 3-3 रेशियो चल रहा है, अभी देखो आगे क्या होता है। भाई अभी तो ड्रॉ चल रहा है, भाई मैं भी इतना अच्छा खेलने लगा मेरे को यकीन नहीं हो रहा। बाबा विश्वा कभी कभी तो लगता है आपको निज भगवान है मिनी मिलिशिया का। चल बोल। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, और यहाँ पे ओपन मैन नेट फेंका, लेकिन मेरी नेट सस्ती वाली निकली, चोर बाजार से खरीदा था ना, इसीलिए भाई इतनी दूर तक नेट नहीं जा रही है, उसका जो नेट है ना मुर्गा छाप, मतलब कौन सा वो होता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, क्रॉक छाप ऐसा कुछ बोलते है ना, वो वाला है, वो वाली कंपनी का, इसलिए इसका बम अच्छे से आ रहा है और मेरा नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने एक और बढ़िया सा किल निकाल लिया है, अभी यहाँ पे बचे हैं
दो मिनट के आसपास हो ये फिर से नेट फेंक रहा है। भाई कितने नेट फेंकते हो यार, खाने में तुमको लग रहा है ढेर सारा नेट ही मिलता है। जब देखो तब खाली नेट खाली नेट खाली नेट। और यहाँ पे प्यारा सा शॉट, और ये भाई साहब यहाँ पे ये हीलिंग ले लिया फिर भी नहीं मार पाया। क्या भाई क्या हीलिंग लेके तो भाई मार सकता था भाई, अगर इसकी जगह मैं रहता ना तो हीलिंग भी ले लेता और मार भी देता, मरता नहीं। और ये भाई मेरे से किल हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी मेरा भाई निशाना अच्छा हो जाता है। अभी देखो क्या होता है, अभी तो मैं आगे सोच रहा हूँ रश करूँ कि ना करूँ। अरे ये तो नीचे ही, अरे बाबा, अरे भाई भाई भाई, भाई क्या परफेक्ट नेट। लेकिन यहाँ पे बैटल भाई चूक गए, परफेक्ट नेट फेंकने के बाद भी भाई बंदा तुरंत रश कर गया और मैं क्राउच था इसलिए मैं बच गया। यहाँ पे मेरी ट्रिक काम आ गई, अगर मैं क्राउच नहीं होता ना तो पक्का फिनिश हो जाता। और मैंने भी यहाँ पे परफेक्ट नेट फेंकने की कोशिश की, लेकिन जानते हो ना मेरी नेट लोल है। अभी देखो बैटल भाई की तरफ से भी नेट आ रहा है, और ये इतना स्लो मोशन में नेट कैसे भाई, चीटिंग करता है तू। स्लो मोशन में बंदे ने नेट फेंका और भी इतना परफेक्ट ताकि मैं नीचे चला जाऊं। और मैं जैसे ही नीचे गया ऊपर से बंदा रश करके मेरे को आराम से मार दिया। भाई क्या ही खेल रहा है, और मैं चैट भी लिख दिया यहाँ पे ओपी नेट। लेकिन अभी भी भाई मैच फंसा हुआ है, एक किल तो मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ पे मैच बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, अभी लास्ट में भाई कौन जीतेगा ये तो नहीं पता। और बैटल भाई पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा है। भाई ये कैसे, भाई कैसे मारा ये, मार ले भाई मार ले, ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी भाई। मैं तो क्राउच था भाई, हेड तो लगने ही नहीं चाहिए था, लग रहा है लैग बैक कर गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे अभी भी मैच ड्रॉ के लेवल पे चल रहा है, बस एक किल और कर लूँ तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और भाई किल क्या, मैच ड्रॉ ही चल रहा है। देखो अगर एक किल किया तो मैं जीत जाऊँगा, और मैं यहाँ पर रश नहीं करने वाला, मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। अरे बाबा हर रहे भाई, फिर से नेट फेंक के नीचे से रश करने की कोशिश। और बैटल भाई तुम ही रश करो यार, मेरे को रश करने में बड़ी पड़ती है। और यहाँ पे बैटल भाई ने रश किया खतरनाक वाला, और मैंने बैटल भाई को किल किया, और बैटल भाई ने मेरे को आग लगा दी। तो गाइस यार यहाँ पे मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाम आ रहा है बैटल मास्टर का, तो मेरे नजर में तो बैटल मास्टर ही विनर हुआ। तो गाइस यार कैसा लगा गेम प्ले प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था ना, ये बंदा काफी ज्यादा लीजेंडरी प्लेयर है। गाइस अभी बहुत सारे बंदों का उजी डुअल नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आपका उजी गन जल्दी से जल्दी डुअल हो जाए तो भाई आपके राइट साइड पे स्क्रीन पे ये रही वीडियो जाकर के पूरा देखो। और अगर आप चाहते हो मोदी जी का आउटफिट बनाना तो भाई लेफ्ट साइड वाली वीडियो को पूरा देखो।